नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। भानु प्रताप हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ऑल डेली वेजर्स कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट है कहीं ना कहीं उसके, और एक डेली वेजर्स जो ग्रुप है वो चीफ इंजीनियर ऑफिस में है और एक डेली वेजर्स जो ग्रुप है वो ऑलरेडी पहले से एक्टिव है। कुर्सी दर कुर्सी बात होती रही लेकिन बात कहीं नज़र नहीं आई। अमित शाह साहब जम्मू आए, कुछ तक नहीं बोल के गए। पिछली बार जब आए थे तो बोल के गए थे मिनिमम वेजेस एक्ट, ऐसा लग रहा था कि उनको मजबूर किया गया था मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए बोलने के लिए, और इस बार उन्होंने बात तक नहीं की मिनिमम वेजेस एक्ट की। और सबसे बड़ी बात, इनका यही एक मुद्दा है कि हमें पहले रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, उसके बाद वेजेस, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि तीसरे नंबर में मिनिमम वेजेस एक्ट है। बारूद जी, मैं सही कह रहा हूँ ये चीज़? बिल्कुल। थैंक यू गुलशन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार आपने अमित शाह जी का नाम लिया कि रैली पे लोगों को बहुत विश्वास था जो कुछ ना कुछ इस टाइम अनाउंस करेंगे, लेकिन देखा कि जो पिछली रैली हुई थी भगवती नगर में उसमें उन्होंने बोला था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार के दौरान। लेकिन आज जो आपने ठीक बोला, जहाँ तो उनको उस टाइम में समझाया गया था, जब पढ़ाया गया था, जैसे वो उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं होम मिनिस्टर साहब को, तो यहाँ उनको इस टाइम उनको ये चीज़ जो थी वो भूल गई। हम सबसे पहले जो ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, कल भी आपने उनका बैनर के तले, हमारे बैनर के तले आपने प्रोग्राम देखा कि प्रेस क्लब में किया गया, लेकिन हमने भी ऐसे देखा कि जैसे सरकार ने, हमने जब प्रोग्राम किया था बीजेपी का ऑफिस का घेराव आपने देखा, उस टाइम आपके पास ऑन रिकॉर्ड सब मीडिया में पड़ा है जिसमें उनके साथ बीजेपी की सरकार के साथ फेस टू फेस में क्वेश्चन किए गए हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो फेस पे आएंगे, बीजेपी के MLA हों चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट हो, उनके मुंह पे आएंगे तो उनको कुछ नहीं बोलेंगे, और जब भी बात होगी फेस टू फेस होगी, जब भी बात करनी चाहिए इंसान ने किसी के फेस पे आकर करनी चाहिए। हमने आप उस टाइम भी उनके फेस पे पूछा गया था कि अगर आप लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 2019 में मिलना चाहिए था, जो आज 2022 तक आप लोगों ने पहुंचा दिया है, ऐसी क्या बात है? जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात, जब हमारी फर्स्ट नंबर पर हमारी प्रायोरिटी की सबसे पहले वो दिया जाए रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए, इन सरकारों ने ही 500 भी SRO भी बनाया गया, SRO 64 भी ग्रास रूट में पड़ा है, लेकिन उसके अभी तक ये वर्क नहीं कर रहे हैं। हमने उस टाइम भी हमने कविंदर गुप्ता जी से भी यही बात की थी कि सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि SRO 500 भी PDP और BJP सरकार ने बनाया है, जो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है? उन्होंने उस टाइम बोला था कि जो इम्प्लीमेंट होगा जो इसी दौरान इसी मंथ में हो जाएगा। अब हम अपने लोगों को जो कहना चाहते हैं कि हमने भी देखा कि अमित शाह जी जब आए तो हमने भी उम्मीद लगाई थी कुछ ना कुछ ये कारगर लोगों के लिए बोलेंगे, जब ऐसा नहीं बोल करके, हमने भी कल एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी, लोगों ने किया, आने वाले दिनों में जैसे अब मंडे आ रहा है, मंडे को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होने को जा रही है 2 बजे के करीब गुलशन जी, पूरे जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर में भी जो एक प्रोग्राम दिया है 15 तारीख को वो भी कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, सरकार देखो इस टाइम भी बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव रिस्पांस दे रही है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, दो भागों में कहीं ना कहीं PHE वाले बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फायदा जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है। देखिए, अफसरशाही चरम सीमा पर आपको पता है, चेयर दर चेयर आप मिले, लेकिन वो चेयरें भी बाद में बदल दी जाती हैं। कविंदर गुप्ता ने आश्वासन दिया डॉक्यूमेंट आपके दिल्ली तक पहुँच रहे हैं, वो कौन सी डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली, कविंदर गुप्ता एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, छोटी मोटी चेयर नहीं है वो भी, उन तक को अमित शाह की रैली के जहाँ पे स्टेज थी वहाँ तक बैठने गए, नीचे बैठ के तालियां मार रहे थे। यानी कि जम्मू कश्मीर के 25 के 25 जो विधायक है, आपको क्या लग रहा है कि ये काम करने के लायक ही नहीं रहे? देखिए, पहले तो पावर में थे, अभी पावर में नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी में अपने नेता के आगे बात रखना ये वो भी नहीं रख पा रहे। जहाँ तक गुलशन जी आपने बात की चेयर टू चेयर, आपने भी हमें पूरे का पूरा रिकॉर्ड किया, ऑन रिकॉर्ड है या मीडिया में है, कोई वो बात नहीं है कि लुका छुपी का कोई खेल नहीं है कि 19 सीटिंग हुई 20 सीटिंग हुई जिसका कोई प्रूफ नहीं, हमारी जितनी भी सीटिंग हुई सबके सामने हुई है। जब हमने 225 से 75 पे बढ़ाया गया, आपने भी ऑन रिकॉर्ड किया था हमारा इंटरव्यू, उस टाइम भी आपको हमने बताया था कि सरकार अभी क्या है 225 से 300 रुपये देने को तैयार है। अभी भी हमने जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई श्रीता चौहान जी से, उन्होंने उस टाइम हमें जो थे रेट्स दिखाए थे, सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट के जो 4 रेट्स दिखाए थे, उन रेट्स को हमने जो था हमने पब्लिक में दिखाया, मीडिया में दिखाया कि ये सरकार देने को तैयार है, जो हमें मंजूर नहीं है। अगर हमारी आप वो और रिकॉर्ड देखेंगे, वो हमने बोला कि ये हमें मंजूर नहीं, इसलिए हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। जी, हमने अपील की थी ऑल डिपार्टमेंट से,
ऑल डिपार्टमेंट से हमने सभी से अपील की थी, 28 डिपार्टमेंट, PHU तो आगे था ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट पे, जितने भी डिपार्टमेंट थे हमने उनको भी अपील की थी, सभी के सभी एक बैनर अम्ब्रेला के नीचे आए और कश्मीर के साथी हैं जो भी वो भी एक अम्ब्रेला के नीचे आए। ऐसा कुछ नहीं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेने के लिए सबको हमें एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग थे जो बुखला गए हैं, जिन्होंने बुखला के आनंद फानन में, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, ऐसे लोग सो बातें करते हैं, ठीक है, आनंद फानन में उल्टा सीधा के, अभी इतनी अच्छी मूवमेंटें होती तो आज तक कुछ ना कुछ फ्रूटफुल अभी तक आया होता सरकार की तरफ से। ऐसे आप बैठे रहो 200 दिन बैठे रहो साइड में, वो तो वही बात होगी ना, सरकार की मर्जी होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं। प्रेशर कोई नहीं है। रजौरी की रैली में PHE के लोगों ने जाके वहां पर नारेबाजी की, उसके बावजूद भी होम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोले। नहीं, रजौरी में जो नारेबाजी की वो एक हक है, अच्छी बात की उन्होंने नारेबाजी की, सरकार को पता होना चाहिए सरकार को, सरकार किससे डरती है, सरकार डरती है सिर्फ अपनी बदनामी से, अपने शोर शराबे थे, नहीं सरकार के पास तो सब कुछ डरने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, उन्होंने अपनी बदनामी से डरती है। जो रजौरी में हुआ वो अच्छा हुआ, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए है, अच्छी बात है, जो सबको मिलेगी हमें थोड़ी मिलेगी, जो सबको मिलेगी, अगर हमने मिनी वेजिस एक्ट के लिए सबको रेट दिया वो रेट सबको, अगर हमने 75 रुपये आपको बोला था हरिकार वैली एक्सप्रेस में, हमने इंटरव्यू दिया हरि सिंह पार्क में, वो 75 रुपये क्या हम अकेलों ने लिए हैं, वो उन लोगों ने लिए जो बड़े आनंद फानंद में उल्टा सीधा बोलते, मैं जानता नहीं वो लोग कौन है। लेकिन मान लीजिए एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह से रजौरी में हुआ उसके बाद मैंने सीधा बोला 25 MLA थे हमारे और 25 के 25 विधायक अपने ही पार्टी के बड़े नेता से बात नहीं कर पा रहे, ये तो नहीं है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं से बात करेगी तो जाके आपका मिनिमम वेज एक्ट होगा, लेकिन पार्टी तो इनकी है, अब अपने ही मंत्री से या शाह साहब से बात नहीं कर पाए तो कब क्या लग रहा है, ये बोलते हैं कि हमारा जब चीफ मिनिस्टर आएगा तब बात करेंगे, क्या गारंटी है इनकी ये अब बात नहीं कर पा रहे, जब चीफ मिनिस्टर आएगा तब क्या करेंगे ये लोग। देखिए जहाँ तक जब 25 MLA की बात है, इनको ये खुद इनके जो ऊपर बैठे हैं अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी, अगर ये चाहे तो 2 दिन का मसला ये हल हो सकता है, अगर 25 के 25 जाएं बात समझाएं, सरकार है, सरकार किसकी है, किसी के घर की सरकार नहीं है, लोगों ने नुमाइंदे बनाकर भेजे हैं लोगों के काम करने के लिए, अगर 4,000 की एक अलग फौज बैठी है, इनको पता होना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करे, अगर चाहे तो जी 2 दिन में क्या, आधे घंटे में जो मसला हल सकता है, लेकिन इस मसले के लिए कोई भी सरकार थी, चाहे वो आज भाजपा के साथ हमारे बीजेपी, इसलिए ज़्यादा गिला शिकवा इसलिए कि सरकार सेंटर में इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में इनके LG साहब बैठे हैं, LG साहब, मैं इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बोलूँगा, क्योंकि LG साहब इनके 25 MLA भी इनके, देखें आप जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेने की टाइम आया तो उन्होंने बोला कि हमने भी करवाया, हम भी ये कहते हैं, अभी ये बोलते हैं कि हमारे हाथ की बात नहीं है, ये सिर्फ पावर जो है LG साहब के पास है, LG साहब चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो 5 मिनट में ये काम एकदम से हो सकता है, लोगों को SRO 64 भी 4,000 लोगों को 5 मिनट, खजानों में पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स पेयर लोग हैं, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन देना। भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार थी, दोनों गठबंधन में थे, और सुनने में ये भी आया जब गठबंधन सरकार थी, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चाहते थे कि डेली विजिट को पक्का कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करने से कहीं ना कहीं इनको रोका, क्या ये सही चीज़, देखो अगर कर दिया जाता तो इनकी पॉलिटिक्स कहाँ से चमकती। देखिए जहाँ तक PDP और BJP के जब गठबंधन की बात आई है, हम भी मिले थे उस टाइम इनके साथ, महबूबा जी से मिले, उन्होंने उस टाइम बोला था कि हम SRO जो देने को जा रहे हैं, उन्होंने दिया भी था, हम जी बोलेंगे, PDP और BJP सरकार नहीं, कोलेशन में इनको SRO 520 दिया गया था, जिसके तहत 487 लोग जिनको थो उनकी सर्विस बुक भी बनाई गई है, रेगुलराइजेशन भी दी गई है उनको, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूटी लगने के बाद जम्मू कश्मीर 370-35 से टूटने के बाद उसको बंद बैग में इनको ने डाल दिया है, यही तो इसी बात का तो रोना है कि SRO 520 इन सरकारों ने बनाया, BJP ने खुद बनाया और इन्होंने खुद ही बंद कर दिया, अगर SRO 64 है यही तो हमें समय, हमने उस दिन भी हमने ऑन रिकॉर्ड यही पूछा था कविंदर गुप्ता जी से कि अगर SRO 520 आप लोगों ने बनाया तो फिर बंद क्यों किया, हमें भी पता चलना चाहिए, अगर यूटी बनाई गई 370-35 से तोड़ा गया है तो फिर उसका हमें यूटी के जो रेट्स हैं वो भी उसी टाइम हमें मिलने चाहिए था, सुतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए था, फिर ये यूटी नहीं है जो झूठी चल रही है अमित शाह जी की तरफ से। इनका उस SRO में ये कहना है कि वो स्टेट के कानून में पास हुआ था, अब यूटी है, अगर यूटी में ये कानून पारित होते हैं, देखिए स्टेट के दौरान इनको गाड़ी मिली, ये गाड़ी चला रहे हैं, तो यूटी है तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी वापस दे देनी चाहिए, पेट्रोल डीजल जो है वो स्टेट का चला रहे हैं, अब यूटी है यूटी में वापस देनी चाहिए, ये वो चीज़ें वापस क्यों नहीं दे रही ये चीज़ें। देखिए जहाँ तक मैंने आपको यही चीज़ बोली, क्या बोलते हैं कि इन्होंने सबसे पहले यूटी लगाई गई है तो यूटी के रेट तो उसी टाइम देने चाहिए ना, 2019 को जब यूटी लगाई गई
उस टाइम क्यों नहीं दिए? खुद की बात जब आती है अपने लिए सभी करते हैं, दूसरे लिए कोई करेगा तो फिर मानते हैं हम। मानो जी एक चीज़ और पूछूंगा, अगर यूटी में कोई कोई अगर पार्टी उभर के आती है, 8 मंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर होगा, यहाँ पर 25 MLA चीफ मिनिस्टर बनकर घूम रहे हैं, जिसको हाथ लगाओ वही बोलता है कि हम ही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, लेकिन काम करने की जब बारी आए तो सब ऐसे दुबक के पीछे भाग जाते हैं, ऐसा डर ऐसा लगता है कि सेंटर से वोट डरते हैं, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने का जो काम है ये बखूबी, हमें चीफ मिनिस्टर बनाइए, हमें जम्मू कश्मीर में पावर दीजिए तो हम आपका काम करेंगे, ये सही, ये लग रहा है कि हो पाएगा इनसे कुछ? देखें 8,000 लोगों को जितनी सरकारें आई इन्होंने सबने इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है, वोट बैंक की राजनीति अपनाई गई है। अभी जो बोलते हैं, कभी बोलते हैं जो पाप की गारंटी हैं लोग जो हमारे को दे दिए गए हैं, देखिए अगर किसी ने भी सरकारों ने लगाया है, अगर उन्होंने लगाया है उन्होंने कोई गुनाह थोड़े किया, अगर उन्होंने लगाया तो आप तो, अगर उन्होंने लगाया उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 8,000 लोगों, आप तो क्रैपलाइजेशन करो, आप भी तो कुछ करो अपनी तरफ से, आपने किया ही नहीं तो आप सिर्फ एक ही बात है दूसरे के सिर के ऊपर हर बार मर देना कि जब पाप की गारंटी है जे नासूर बन गए हैं। अगर उन्होंने लगाया है, उन्होंने रोजी दी है सबको, अगर उन लोगों सरकारों ने लगाया जैसे मर्जी लगाया, उन्होंने भी शोषण किया, चाहे वो PDP थी चाहे NCP थी चाहे कांग्रेस थी, उन्होंने शोषण किया, लेकिन आप तो एक मलहम का काम करो, आप अगर सरकार में आए फर्स्ट टाइम आप आए हो, आप तो सबसे पहले देखो 8,000 लोग हैं, इनको हम इनके साथ बच्चे भी हैं, इनकी फैमिली भी है, 3 पीढ़ियां खत्म हो गई हैं डेली वेजरों की, अगर उन्होंने जेल लगाया तो उन्होंने जेल करना चाहता कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी तो आप लोग दो, जख्म के ऊपर मलम तो लगाओ, आप उसी जख्म के ऊपर सिर्फ नमक फेंक रहे हो, नमक फेंक रहे हो। देखिए जख्म के ऊपर मलम लगाइए, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करते थे और स्टेट में नौकरी दी जाती थी, नौकरी मिलती थी, जब नौकरी मिली कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चर लगाया पक्का करने का काम था, सरकार खत्म होगी जम्मू कश्मीर स्टेट खत्म होगी, लेकिन यहाँ यूटी बनाएगी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त राज कर रही है। जब 8 साल इन्होंने अपना वक्त इस वक्त ले चुके हैं, अब इनको पता है हो सकता है आने वाले वक्त में इलेक्शन हो जाए, अब जो आश्वासन है वो देना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर होम मिनिस्टर का विजर था, होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कह करके कश्मीर में गए, कश्मीर की रैली में जो था कहीं ना कहीं उन्होंने उनको उनके उन लोगों को उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कहा, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए कुछ तक नहीं कहा। रजौरी में धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन फिर भी होम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोल पाए, ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको अच्छे नहीं लगते, अगर अच्छे लगते तो जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ बोलते, अदरवाइज उनको पता वोट तो पड़ ही जाएगा। जी बानू जी क्या कह रहे हैं? देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला, जम्मू कश्मीर को जो 8,000 लोग हैं अब बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, अब इनको भी समझ आना चाहिए 8,000 लोगों को बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, अगर दिवाली तक जब मसला हल नहीं किया गया, कश्मीर में भी बात चल रही है और कश्मीर की लीडरशिप सतीश जी से बात हुई थी, सतीश जी ने मेरे को बताया था रात को, राजन जी ने भी, कि कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप जो है वो एक साथ होकर अब कश्मीर से भी और जम्मू से भी लोग जो हैं 8,000 लोग सड़कों पर आएंगे और सीधे दिल्ली का मार्च करेंगे, पैदल मार्च किया जाएगा दिल्ली का, दिवाली दिल्ली चलो का नारा है, दिल्ली चलो का नारा है। और मैं अपने सभी डिपार्टमेंट के 28 के 28 डिपार्टमेंटों को ये कहना चाहता हूँ क्या बोलते हैं, अब दिल्ली में जाकर ही अब फैसला किया जाएगा, दिल्ली में जब जिधर से दिल्ली जाया जाएगा दिल्ली से तभी वापस आया जाएगा, जहाँ तो पॉलिसी लेकर वापस आया जाएगा, जहाँ तो सरकार के साथ आप सीधे उधर आमना सामना होगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब ऐसे सरकारों ने बिल्कुल शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 2-4 दिन में एक मीटिंग भी होने वाली है, चाहे वो NYC हो RE हो, सबके प्रेजिडेंटों से मेरी बात हो चुकी है, सभी एक मंच पे आएंगे और दिल्ली मार्च के लिए सभी एक मंच पे आएंगे, और जितनी भी जम्मू कश्मीर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब ने इसमें हमारा साथ देना चाहिए था, जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए पूरे जम्मू वासियों ने साथ दिया था, ऐसे ही हमारे लिए भी सब ने एक बार घर से बाहर निकलना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। देखिए दिवाली तक ये लोग वेट करेंगे, दिवाली के बाद जो है कहीं ना कहीं दिल्ली चलो का नारा है, अपनी फैमिलीज के साथ दिल्ली की तरफ निकलेंगे और वहाँ पर कूच करके कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है होम मिनिस्टर नहीं लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँच जाए, अगर वहाँ तक ये बात नहीं पहुँची, और सबसे बड़ी बात दिवाली के बाद जो है महंगाई बढ़ने वाली है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉलर की जो कीमत है वो इस वक्त बढ़ चुकी है और रुपया लुटता हुआ नीचे आ चुका है, ये महंगाई भी इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी, हम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। आप खुद ही सोचिए सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से काम करना चाहिए। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।